हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके मोबाइल में भी फाइल मैनेजर से व्हाट्सएप की ऑडियो जो है वो डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है, तो आप उनको दोबारा से फाइल मैनेजर में कैसे वापस ला सकते हो, कैसे उनको रिकवर कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपका सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। बिना देर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको जहाँ पे ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको जहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है स्टोरेज एंड डेटा का, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज स्टोरेज का, ठीक है, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जहाँ पे चेक करना है, आपको जहाँ पे वही वाली ऑडियोज दिख जाएगी, ठीक है, जिस भी ऑडियोज को आप फाइल मैनेजर में वापस लाना चाहते हो, आपको सिंपल सा उस ऑडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जहाँ पे ऊपर 3 डॉट का जो ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ही आप इसको सेव करोगे आपकी जी ऑडियो फिर से फाइल मैनेजर में वापस चली जाएगी। इन केस दोस्तों अगर जहाँ पे आपको वो वाली ऑडियो नहीं दिखती है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा बैक आना है। उसके बाद दोस्तों आपको चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहाँ पे दोस्तों आपको नीचे बैकअप का ऑप्शन दिख जाता है, बैकअप वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है और आपको चेक करना है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो बैकअप है। अगर आपको जहाँ पे बैकअप दिखा रहा है, गूगल आईडी आपकी जहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से इंस्टॉल करोगे, आपको वहाँ पे एक रिस्टोर का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही रिस्टोर करोगे, आपकी पुरानी से पुरानी चैट भी वापस आ जाएगी और आपकी जो ऑडियो डिलीट हुई होगी वो भी वापस आ जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईडी का लिंक भी दिया गया है। थैंक यू।